नमस्कार दोस्तों, दिशा लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिज्यूमे राइटिंग का पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है उसके बारे में। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया रिज्यूमेस का जो प्रिंसिपल्स है, जो की पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है, उन सब के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएगा, वो सब सब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है एक फॉर्मेट। ये जो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, पर इसमें सब जो कंपोनेंट्स है वो इंक्लूडेड है, और जो भी एक्सपीरियंस्ड है या फ्रेशर है आप ये यूज कर सकते हैं। अभी फ्रेशर है तो आप वर्क एक्सपीरियंस के नीचे आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिखेंगे। आप एक्सपीरियंस है तो आपका जो ओरिजिनल वर्क एक्सपीरियंस है वो आप लिख सकते हैं। तो पहले आप नेम ले लीजिए, आपका फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा सबसे टॉप में, रिज्यूमे के जो टॉप में है उसमें आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा, और फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बस नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका फोन नंबर आएगा, ईमेल आएगा, और लिंक्डइन का है तो आपको लिंक्डइन का एक लिंक भी आप डाल सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए इधर। फिर है ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव कोई कोई बताते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, कोई कोई बताते हैं ऑब्जेक्टिव लगाना इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर्मेट में तो ऑब्जेक्टिव है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऐसा। क्लियरली आप वो डेजिग्नेशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो डेजिग्नेशन आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, और मेंशन करने के बाद आप जो स्किल्स वो वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी लिख सकते हैं, या आप एक छोटा सा कंसाइज और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। पर इसमें भी आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन का एग्जैक्ट जो जॉब डिस्क्रिप्शन है में है वही आपको लिखना है इधर। फिर है समरी ऑफ प्रोफाइल। ये समरी ऑफ प्रोफाइल बहुत ऊपर आ जाता है, और फर्स्ट ही इंप्रेशन बनाने के लिए ये बहुत यूजफुल है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट जो एम्प्लॉयर देख रहे हैं, जैसे कि MBA ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, की स्किल्स, एक्सपीरियंस, वो सब जो एम्प्लॉयर देख रहे हैं, हम एक ही पैराग्राफ में सबको समराइज करके हमने प्रेजेंट किया है। ये ऐसे प्रेजेंट करने से क्या होता है कि एम्प्लॉयर पूरा रिज्यूमे पढ़ने के पहले ही उसको एक इम्प्रेशन आ जाएगा, हाँ ये बंदा हमारे लिए सूट हो सकता है, और या हमारे जॉब के लिए सूट। तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है समरी ऑफ प्रोफाइल में, आपका कोर क्वालिफिकेशन लिखना जरूरी है, एक्सपीरियंस जो रिलेटेड है जॉब से, और स्किल्स जो रिलेटेड है जॉब से। तो ऐसा है एक समरी ऑफ प्रोफाइल, चार सेंटेंस या पांच सेंटेंसेस के ऊपर तो समरी नहीं जाना चाहिए। समरी के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं या वर्क एक्सपीरियंस। अब आप वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो आपको डेजिग्नेशन, नेम ऑफ कंपनी और ड्यूरेशन, ईयर फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, वो लिखना है, और बुलेट पॉइंट्स चार और पांच या पांच बुलेट पॉइंट्स डालने के बाद आप आपका जो अकम्प्लिशमेंट्स है वो जॉब में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, अकम्प्लिशमेंट्स आपको लिस्ट करना पड़ेगा। चार अकम्प्लिशमेंट्स या पांच काफी है उसमें। उसके लिए आप एक्शन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे डेवलप्ड, कोऑर्डिनेटेड, अचीव्ड, असिस्टेड एक्सेट्रा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसे वर्ड से, एक्शन वर्ड्स बोलते हैं इसको, और आप सो डेवलप्ड डेटाबेस ऑफ 2000 क्लाइंट्स, कोऑर्डिनेटेड विद लाइन मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेटेड विद HR मैनेजर्स, ऐसा अचीव्ड सेल्स टारगेट्स, आप बता सकते हैं।
फिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपका 10th या 12th तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयर ने पूछा तो आप दे सकते हैं, पर नहीं तो सिर्फ आपका डिग्री, जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो डिग्री लिया और ईयर ऑफ पासिंग, बस दो लाइन में आपका मैक्सिमम, आपको 2 डिग्री है तो 2 लाइन में आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और बाकी जो आइटम्स है फॉर्मेट में वो है अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स। तो जो भी आपका अचीवमेंट्स है वो भी आप बुलेट पॉइंट्स में लगा सकते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशंस और पर्सनल डिटेल्स। अभी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स लगाना क्या डेंजरस है, क्योंकि अभी जो प्राइवेसी इश्यूज है वो सब भी ध्यान में रखना चाहिए, पर जो भी इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयर के लिए वो आप लिख सकते हैं। और रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के नाम और डेजिग्नेशन और कंपनी नेम लिख सकते हैं, पर उनका नंबर मत लिखिए, क्योंकि आपको पूछे बिना एम्प्लॉयर उनको कॉल नहीं करना चाहिए। आपको बताने के बाद आप उनको ज़रा नोटिफाई करके उनको बताना है कि सर ऐसा एक एम्प्लॉयर आपको कॉल करेंगे, आप जरा मेरे रेफरेंस देने के टाइम थोड़ा अच्छा रेफरेंस दें, आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस का फोन नंबर मत डालिए रिज्यूमे में। तो इतना इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आपका रिज्यूमे बहुत इफेक्टिव आ जाएगा। आगे आपको सैम्पल या आपको एक रिज्यूमे का टेम्पलेट आपको चाहिए तो वो www.dishalearning.com में आप डाउनलोड